बिहार में आज फिर से जाति के आधार पर आरक्षण देने की मांग जोर पकड़ेगी। अब आरजेडी आरक्षण को जाति गणना के मुताबिक करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रही है। आरजेडी देश में जाति जनगणना की मांग कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 1:30 बजे धरना स्थल पर पहुंचेंगे और 2 बजे होगा तेजस्वी का भाषण। बिहार में आरजेडी की सरकार में रहते आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% की गई थी। बाद में पटना हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। आरजेडी भी सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में पक्षकार बनी है। तेजस्वी यादव अब राज्य और केंद्र सरकार से इस बढ़े हुए आरक्षण के दायरे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की डिमांड कर रहे हैं। तो 65% आरक्षण लागू करने की मांग है आरजेडी की। बिहार में आरक्षण को लेकर आरजेडी की मुहिम अब दोपहर 1:30 बजे से सड़कों पर उतरेगी। आरजेडी मांग वही कि 65% आरक्षण लागू हो, इसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। सुनवाते हैं इस पर क्या रिएक्शन है। तो जाति सर्वे करा के नीतीश कुमार जी ने तो दिखा दिया, तो जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है वहां अपने राजनीतिक पुरुषार्थ का प्रदर्शन करिए। चलिए कर्नाटक, अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई? हम धरना में आपके साथ बैठने को तैयार हैं। चलिए बंगाल, दिल्ली, पंजाब, और जाति सर्वे इनकी परेशानी नहीं है, इनका जमीन सर्वे परेशानी है। अंदरूनी रूप से यह परेशानी है कि जो सीलिंग एक्ट है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में 15 एकड़ जमीन होना चाहिए। मैं तो पूछता हूं लालू यादव जी और उनकी पार्टी के लोगों से, क्या आपने परिवार के बाहर किसी को आरक्षण में जोड़ा? नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? पार्टी का नेता कौन बनेगा? पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? जो व्यक्ति बड़े बड़े बातें कर रहे हैं समाज की राजनीति और आरक्षण की बात, वो अपने परिवार से तो बाहर निकल नहीं पाए, तो समाज को क्या जोड़ेंगे? बाकी पिछड़ों को और दलितों को क्या जोड़ेंगे? आरक्षण की बात करने वाले व्यक्ति आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं, जिन्होंने जिस पार्टी ने सबसे अधिक अंबेडकर को अपमानित किया। आरक्षण की बात जब सबसे पहले आई तो वीपी सिंह की सरकार को सबसे पहला समर्थन किसी ने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने किया था। चलिए बिहार की बात हो गई, महाराष्ट्र की भी बात हो गई, पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है जानना जरूरी है। कोलकाता कांड को लेकर आज टीएमसी एक बार फिर से प्रदर्शन कर रही है और टीएमसी की महिला विंग ये प्रदर्शन करेगी। मतलब सड़कों पर सब हैं, विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी। ये तस्वीरें देखिए जरा, 14 अगस्त, 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ये टीएमसी का ब्लॉक में प्रदर्शन, उग्र भीड़ अस्पताल में घुसी। ये हर एक सिलसिलेवार डेट वाइज हम आपको दिखा रहे हैं, मतलब सब प्रदर्शन में कूदे हुए हैं। विपक्ष तो है ही, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट भी है और फिर टीएमसी भी है। मतलब एक दिन बीजेपी प्रोटेस्ट करती है, एक दिन टीएमसी करती है, एक दिन उधर कांग्रेस उतर जाती है, फिर लेफ्ट उतर जाती है। मतलब न्याय के नाम पर ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि न्याय की जगह अब राजनीति और सियासत ज्यादा हावी हो गई है इस पश्चिम बंगाल कोलकाता कांड को लेकर। ऋतिक मंडल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं कोलकाता से। ऋतिक, आज की क्या खबर, क्या अपडेट, क्या तस्वीर दिखाएंगे, किस तरह से सियासत हो रही है न्याय के नाम पर? देखिए, सियासत गरमाई हुई है बंगाल में। जैसे कि आप जानते हैं कि 28 तारीख ममता बनर्जी जब तृणमूल कांग्रेस के छात्र संगठन के जो प्रतिष्ठा दिवस के अनुष्ठान को वो संबोधित कर रहे थे, उस दौरान ही उन्होंने कहा था किस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल सीबीआई के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। फैसला लिया गया था, लगातार आंदोलन जो है वो किया जाएगा। आज तृणमूल कांग्रेस के महिला मोर्चा के तरफ से जो कोलकाता के गोल पार्क में थोड़ी देर में वहां पर प्रदर्शन होगी। दरअसल जब ये पूरे राज्य में और तमाम विपक्ष के पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर लेफ्ट या कांग्रेस, ममता बनर्जी की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और जल्द से जल्द न्याय दिलाने की भी गुहार कर रही है, और इस दबाव के सामने देखा जा सकता है तृणमूल कांग्रेस पलटवार सीबीआई की तरफ कर रही है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जितने भी आरोपी हैं और इस मामले की रफा दफा की जाए, न्याय दिलवाई जाए, और इसके लिए जिम्मेदार फिलहाल सीबीआई है, क्योंकि देश का बागडोर उनके हाथ में है। और इसी कारण जो है लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने इससे पहले भी पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को निशाना साधा था। तो अब देखने वाली बात होती है, अब जब तृणमूल कांग्रेस सड़कों पर है, किस तरीके से घमासान तृणमूल और बीजेपी में आज चलता है। नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।